गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि आज से हम बायोलॉजी में फ्रेश चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और आपके आईसीएसई ने सिलेबस में आपके मतलब बायोलॉजी में सिलेबस में क्या क्या रिडक्शन किया है, कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं, कौन कौन से टॉपिक का रिडक्शन किया है, उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ऊपर आई बटन में भी है, तो वहां से आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने इसलिए सेलेक्ट किया सबसे पहली यूनिट क्योंकि इस यूनिट से बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं कंपैरिजन टू ऑल अदर यूनिट्स, और इवन सर्कुलेटरी सिस्टम से तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इवन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। कुछ भी काम कर रहा हूं साइड में रख दीजिए, केवल 15 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अपने टेक्स्ट बुक से सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएगा, और बाय चांस अगर कोई डाउट्स रह भी गया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर वहां आंसर कर पाया तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता अगर सर्कुलेटरी सिस्टम को मैं आज ही इसी वीडियो में कंप्लीट करता, इसलिए मैंने वीडियो दो पार्ट में बनाया है। तो आज ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और ब्लड के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देंगे तो आप लोगों को इस वीडियो में से कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर आपके डाउट्स क्लियर होंगे नहीं। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद सेकंड पार्ट में जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन प्रोबेबल हैं बोर्ड में आने में और जितने पास्ट ईयर में आ चुके हैं उसका पूरा एमसीक्यू कई सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट मी इंट्रोड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम विद इट्स डेफिनेशन। सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स दैट टेक्स पार्ट इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल इनसाइड द बॉडी। अब समझते हैं इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है या आप एक चैनल के तरीके इसको समझ सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी हमारा फ्लूइड है बॉडी के अंदर उसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वेस्ट मटीरियल होता है जो कि हमारी बॉडी में फ्लो होता रहता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो वो फ्लो कराने में मदद करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार बोर्ड में, पास्ट ईयर में पूछा भी गया है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फंक्शनिंग होती है, जो इससे फोर्स मिलता है वो हार्ट से मिलता है, इसलिए इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड फ्लो होते हैं जो इसेंशियल मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, सारी चीजों को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो मेनली ह्यूमन बॉडी में दो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होते हैं, पहला है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। तो इस वीडियो में आज हम ब्लड के बारे में बात करेंगे डिटेल में, ब्लड क्या है, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और ब्लड ग्रुपिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, आरएच फैक्टर पढ़ेंगे, और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हुए इस वीडियो को कम्प्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं ब्लड के बारे में, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस ब्लड ऑल्सो विद अ डेफिनेशन टू यू ऑल। ब्लड इज अ लिक्विड दैट इज स्टिकी इन नेचर एंड इन रेड इन कलर। ये तो सारी चीजें हम सिक्स क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा ब्लड के बारे में जानते हैं। ब्लड रेड कलर में क्यों होता है? ब्लड रेड कलर में इसलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है, और पर्पलिश कलर में तब होता है ब्लड जब वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है। एक क्वेश्चन यहां से जो ब्लड से कभी कभार बोर्ड में पूछ लेता है कि ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है। ब्लड की पीएच वैल्यू 7.3 से 7.45 तक पीएच की वैल्यू होती है ब्लड की। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है बोर्ड में। अब बात करते हैं ब्लड के स्टडी को कहते क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है ब्लड के स्टडी को, क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैंने अपना कोर्स लिया था तब तो ये क्वेश्चन आया था, एंड आई होप शायद इस साल भी आने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि पिछले दो या तीन साल में पूछा गया है। तो ब्लड की स्टडी को, उसके फंक्शंस को, उसके कंपोनेंट को, एक कंप्लीट स्टडी को कहते हैं हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड इट्स फंक्शंस, ऑल द थिंग्स दैट विल स्टडी अबाउट ब्लड। सो बेसिकली वी आर स्टडिंग हेमेटोलॉजी इन जस्ट शॉर्ट फॉर्म। अब बात करते हैं ब्लड के फंक्शंस की। तो ब्लड के बेसिकली, वैसे तो ब्लड के कई फंक्शन है, बट हम इस वीडियो में 4 to 5 फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ब्लड का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स।
जो शुगर है, अमीनो एसिड्स हैं और कुछ मिनरल्स हैं जो ब्लड हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन से लेता है और सारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। सेकेंड मेन जो फंक्शन है ब्लड का वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, हमारी बॉडी में मदद करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारे टिश्यूज में वेस्ट मटेरियल रहता है उस वेस्ट मटेरियल को हमारी किडनी तक ले जाता है, उसके बाद किडनी फिर एलिमिनेशन प्रोसेस में ले आती है। किडनी के बारे में एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे होता है वो जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा मैं, किडनी कैसे एलिमिनेट करती है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ब्लड के थर्ड फंक्शन की। ब्लड जो थर्ड फंक्शन करता है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड टिश्यू से लेता है और किडनी तक देता है, लंग्स तक देता है, क्योंकि एक्सहेलेशन प्रोसेस में बात होती है। लंग्स के बारे में भी हमारा एक अलग से चैप्टर है, उस पर भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या कैसे एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है, इनहेलेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो जस्ट अभी मैं फंक्शन समझा रहा हूं। जो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड का, जो फंक्शन है ब्लड का, तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंजरी। जब भी आपको कभी चोट लग जाती है तो आप देखते हैं एक ब्लड का लेयर जमा हो जाता है जिसको कहते हैं ब्लड कोएगुलेशन। उसके बारे में भी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा आपको कि ब्लड कोएगुलेशन कैसे होता है। तो ये एक मेन फंक्शन होता है। उसके बाद जो फिफ्थ और फिलहाल के लिए लास्ट जो फंक्शन है ब्लड का वो होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि हमारी बॉडी में जहां भी पानी की कमी होती है ब्लड उसको पूरा करता है मिनरल्स के थ्रू, और जहां से भी ब्लड कलेक्ट करता है हमारी बॉडी की जहां भी नीड होती है वहां ले जा क्या कहते हैं हमारी कमी को दूर करता है। बात हो गई ब्लड के फंक्शंस की। अब बात करते हैं ब्लड कंपोनेंट की कि ब्लड बनता कैसे है, ब्लड बना किस चीज से है। तो बेसिकली ब्लड दो कंपोनेंट से बनता है। पहला है प्लाज्मा कंपोनेंट, मैं कह रहा हूं ब्लड दो फ्लूइड से बनता है जिसको कहते हैं, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स नाम क्यों है इसको मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा, पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा है पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है, पेल येलो यानी आप समझ सकते हैं जैसे यूरिन का कलर होता है वही कलर होता है प्लाज्मा का भी। बात करते हैं प्लाज्मा का कंपोनेंट क्या है, ये तो क्योंकि प्लाज्मा तो ब्लड का कंपोनेंट है लेकिन प्लाज्मा का भी अपना एक कंपोनेंट है। तो प्लाज्मा 98-99% वाटर का बना होता है, इसमें 98-99% वाटर रहता है, 0.1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहता है और 0.1% ही ऐसे आपका शुगर अमीनो एसिड ये सारी चीजें रहती हैं, और 0.1% आपका हार्मोन मिक्स रहता है प्लाज्मा में। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि प्लाज्मा का कितना रोल है हमारे ट्रीटमेंट में, अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसमें प्लाज्मा थेरेपी है जिसमें प्लाज्मा डोनेट करना होता है, तो इससे आप समझ सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो इसके बारे में इंटरनेट में जाके पढ़ सकते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। तो ये प्लाज्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले कर रहा है हमारे इंडिया में ट्रीटमेंट के लिए। बात करते हैं हमारे ब्लड में और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक ये प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा में हार्मोन्स हो गए, कई सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और दो कुछ 0.% प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। बात करते हैं, वैसे तो प्रोटीन कई प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो दो मेन इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वह है प्रोथ्रोम्बिन और एक फिब्रिनोजन। ये दो मेन प्रोटीन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग के काम आते हैं। जब ब्लड क्लॉट होता है तो इन्हीं दो प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है। दूसरा आपका जो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है, लाइसोजाइम है, ये डिफेंस प्रोटीन है, तो ये भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अब एक जो पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में उसका नाम है हेपरिन। जैसा अभी मैंने बताया कि प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन काम करते हैं हमारी ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वैसे ही हेपरिन काम करता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए। सो हेपरिन इज अ पॉलीसेकेराइड दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। ओके, पॉलीसेकेराइड आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, केमिस्ट्री की भी वीडियोज हम इसी चैनल पे ला रहे हैं तो आपके केमिस्ट्री का भी जो टेंशन है वो हम पूरा दूर कर देंगे। सो आपका सारा टेंशन आप हम लोगों को दीजिए और आप जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और जितना आप लोग डोपामाइन रिलीज करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन है वो भी प्रेजेंट होता है इसमें। तो जितना आप लोग खुश रहेंगे उतना आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बात हो गई प्लाज्मा की। अब बात करते हैं जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स नाम इसलिए क्योंकि ये एक स्पेसिफिक जगह पे फॉर्म होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स। ये तीन मेन फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्लड के कंपोनेंट होते हैं।
ये जो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हम लोग सेलुलर एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ओरिजिन यानी रेड बोन मैरो में बनते हैं, जो आपके बोन्स हो गए और जितने भी आपके बोन्स के नीचे जो होता है लोअर पार्ट में रेड बोन मैरो में ये बनते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी जो है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 98-99% जो होता है आरबीसी ही होता है। आरबीसी कंटेन्स अ हीमोग्लोबिन पिगमेंटेड सेल, आरबीसी में हीमोग्लोबिन सेल्स होते हैं। और आरबीसी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो आरबीसी जो है 7-8 माइक्रोमीटर का होता है। इसकी डायामीटर सेंटर में 1 माइक्रोमीटर होती है और जो रिम में होती है उसकी 2 माइक्रोमीटर डायामीटर होती है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबीसी का वो है आरबीसी इज ए नॉन न्यूक्लिएटेड। तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होने के साथ ही साथ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ना होना इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अच्छा भी आरबीसी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो ये अपने से ऑक्सीजन और शुगर को कंज्यूम नहीं कर सकता, तो इट्स अ वेरी गुड कैरियर ऑफ ऑक्सीजन आरबीसी ड्यू टू लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और एंड ड्यू टू द लैक ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हम सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे। जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीजें सेल का एक पार्ट है, सेल के अंदर होती हैं और डिटेल में हम सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होने के कारण ये कैपिलरीज के बीच में आराम से निकल जाता है, इट कैन स्क्वीज थ्रू आउट द कैपिलरीज वेरी रैपिडली। तो ये आरबीसी का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी कंटेन करता है। हीमोग्लोबिन 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का होता है, जैसे कि आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल जिनको ग्लोबिन कहते हैं और 4 आयरन कंटेनिंग नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होते हैं आयरन के, जिनको हेमे कहते हैं। तो कंबाइन करके बनता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कभी कभार अपने आपको ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन कर लेता है, तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर लेता है अपने आपको, तो उसको कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि जहां भी आपकी बॉडी में गैस की डिफिशियंसी रहती है वो वहां जाके ये टेम्परेरी इनका ट्रांजिशन रहता है हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन। कहां कभी कभार हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी कंबाइन कर लेता है, जो कि इंजरियस है हमारी हेल्थ के लिए, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन कंबाइन कर लेता है। तो ये बात हो गई आरबीसी के स्ट्रक्चर की और हीमोग्लोबिन की। अब बात करते हैं इनका ओरिजिन कहां होता है आरबीसी का। तो आरबीसी का ओरिजिन जैसे मैंने पहले ही बताया, फॉर्म एलिमेंट्स का ओरिजिन रेड बोन मैरो में होता है, आरबीसी का ओरिजिन भी रेड बोन मैरो में ही होता है। इसके प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपायोसिस। आरबीसी के प्रोडक्शन के प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपायोसिस। अब बात करते हैं इनके लाइफ स्पैन की। तो 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, और जब 120 डेज के बाद ये 2.5 मिलियन पर सेकंड की स्पीड से मरते जाते हैं, यानी कि खत्म होते जाते हैं। और कहां पर जाके स्टोर होते हैं, ये स्टोर होते हैं हमारे स्प्लीन में। ये स्प्लीन वाला जो क्वेश्चन है कहां जाके स्टोर होते हैं, ये बोर्ड में कई बार पूछा जाता है और कभी कभार तो हर साल पूछा जाता है। तो आरबीसी स्प्लीन में जाके स्टोर होते हैं, स्प्लीन को ग्रेव यार्ड भी कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेव यार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट, ये याद रखने वाली चीज है। बात हो गई हमारी आरबीसी की। अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल आपके न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, ओव्यूल स्ट्रक्चर में होते हैं, कभी कभार एमेपॉइड स्ट्रक्चर में भी होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस भी होता है, सारी चीजें होती हैं। तो ये एक जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण ये कैपिलरी से उतने स्क्वीज कर भी नहीं पाते हैं, जैसे आरबीसी आसानी से निकल जाता है। तो डब्ल्यूबीसी की जो जब डब्ल्यूबीसी एक्सट्रीमली हाई हो जाता है तो उसको कहते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया, जब डब्ल्यूबीसी के नंबर एकदम से हाई हो जाते हैं। और जब एकदम से कम हो जाते हैं डब्ल्यूबीसी के नंबर तो उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस इज द रिडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। और एक है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आप लोगों ने सुना भी होगा, ये कैंसर का फॉर्म है। ल्यूकेमिया जब एकदम से बहुत ज्यादा राइज हो जाता है डब्ल्यूबीसी में तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो ब्लड कैंसर का मेन कारण यही होता है डब्ल्यूबीसी के नंबर में एकदम रैपिड इंक्रीज आ जाना। तो बात हो गई डब्ल्यूबीसी के ओवरव्यू की। अब बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं। ल्यूकोसाइट्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक है ग्रेनुलोसाइट, एक है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है, जो ग्रेनुलोसाइट होता है उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं और लोब्ड न्यूक्लियस होता है।
ठीक है। और जो एग ग्रेनुलोसाइट होता है उसमें लोब्ड न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें कंप्लीट न्यूक्लियस होता है एंड इट लैक्स ग्रेन्यूल्स। तो ये दो टाइप के हो गए। और ग्रेनुलोसाइट्स जो होते हैं, ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट जो होता है वो आपके तीन टाइप के होते हैं। उसका नाम जो तीन टाइप है वो है न्यूट्रोफिल, इयूसिनोफिल एंड बेसोफिल। और जो एग ग्रेनुलोसाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं इन पांचों टाइप के बारे में। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स के तीन टाइप है, न्यूट्रोफिल, इयूसिनोफिल एंड बेसोफिल, इसमें से न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है ग्रेनुलोसाइट कंप्लीट ल्यूकोसाइट का। 68-70% का जो पार्ट कंपोनेंट होता है वो न्यूट्रोफिल ही होता है और ये फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। बात करते हैं हम बेसोफिल्स की, सॉरी इयूसिनोफिल्स की। इयूसिनोफिल्स का ज्यादा रोल नहीं होता है, कम ही नंबर में होते हैं, इनका डायमीटर भी छोटा होता है। इयूसिनोफिल इंक्रीज हो जाता है जब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तब इयूसिनोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं, जिसको इयूसिनोफिलिया भी कहते हैं। कभी कभार ये पूछ लेता है बोर्ड में क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंस व्हेन ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन इयूसिनोफिल नंबर इंक्रीज इन द एलर्जिक रिएक्शन दैट डिसऑर्डर इज कॉल्ड, ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछ लेता है, तो उसमें उसका आंसर होगा इयूसिनोफिलिया। अब बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स एस शेप्ड के होते हैं, इनका माइक्रोमीटर भी 10-15 माइक्रोमीटर के ये होते हैं। और ये जो हिस्टामाइन एक सिक्रीट करते हैं, हिस्टामाइन सिक्रीट करते हैं ये तब जब इंजरी हो जाती है तो उसको रैपिड हील करने के लिए हिस्टामाइन सिक्रीट करते हैं। और ये सेरोटोनिन भी सिक्रीट करते हैं हमारे बेसोफिल्स की मसल को कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो जब बेबी की डिलीवरी होती है तो दो हार्मोन आपके सिक्रीट होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक ही सेरोटोनिन। इसके बारे में हम डीप में रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ऑक्सीटोसिन क्या होता है उसके सारे फंक्शन सारी चीजें पढ़ेंगे। तो बात हो गई हमारे न्यूट्रोफिल, इयूसिनोफिल और बेसोफिल्स की। अब बात करते हैं एग ग्रेनुलोसाइट के जो दो पार्ट है वो है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स भी नॉर्मल साइज के होते हैं, ओव्यूल स्ट्रक्चर में होते हैं, कभी कभार इररेगुलर शेप में भी होते हैं। और लिम्फोसाइट्स दो होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और एक बी लिम्फोसाइट्स। जनरली यही पूछा जाता है बोर्ड में कि लिम्फोसाइट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो यहां तक हमने समझ लिया कि ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो ब्लड प्लेटलेट्स को हम लोग समझते हैं ऐसे कि ब्लड प्लेटलेट्स का जो साइज है वो नॉर्मल रहता है, 2 माइक्रोमीटर का साइज रहता है। और जो इम्पोर्टेंट रोल ब्लड प्लेटलेट्स प्ले करते हैं वो है हमारा एक ग्रोथ फैक्टर के लिए और एक क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करते हैं जो कि क्लॉटिंग फैक्टर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स को। ये 50,000 पर मिलीमीटर क्यूबिक रहता है, क्यूबिक पर मिलीमीटर रहता है। तो ज्यादा ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में क्वेश्चन बोर्ड पूछता नहीं है, जनरली यही पूछता है कि ये क्या चीज सिक्रीट करता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करता है जो कि आपको क्लॉटिंग फैक्टर में होता है। नाउ कम्स ब्लड कोएगुलेशन, जैसे कि हमने पहले बात भी कर चुके हैं ब्लड कोएगुलेशन पे, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि ब्लड कोएगुलेशन कब होता है। जब आपको कोई चोट लग जाती है तो आप देखते हैं एक लेयर आ जाती है ब्लड की, तो वो ब्लड उसी को ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। एक जेली के फॉर्म में ब्लड का जम जाने को ही ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं, या ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। कभी कभार आपने सुना होगा कि ब्रेन हैमरिंग के समय ब्लड क्लॉट्स आ गए, तो ये सारी चीजें ब्लड क्लॉटिंग, इसी को ब्लड क्लॉटिंग ही कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करते हैं इस कारण से ब्लड क्लॉटिंग होती है। और ब्लड क्लॉटिंग के समय जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है उसके कुछ समय बाद जब प्लाज्मा सिक्रीट्स होता है, सॉरी सिक्रीट्स बोल रहा हूं, जब प्लाज्मा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उससे एक सेरम सिक्रीट होता है। सेरम को हम कहते हैं, वो प्लाज्मा होता है जिसमें फाइब्रोनोजन नहीं होता, क्योंकि फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन और आपका फाइब्रोनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये तीन मेन हार्मोन्स हैं जो आपके रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। लेकिन जब प्लाज्मा से ये चीज सिक्रेट होती है सेरम, तो सेरम इज अ प्लाज्मा विदाउट फाइब्रोनोजन। तो बात हो गई ब्लड क्लॉटिंग की। अब टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लड ग्रुपिंग, जिसको एबीओ ग्रुपिंग भी कहते हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग का आप लोगों को नाम पता है, किसने ब्लड ग्रुपिंग दिया मुझे कमेंट करके बताइए ब्लड ग्रुपिंग का नाम। और ब्लड ग्रुपिंग का नाम किसने दिया वो मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, उससे पहले आप सब लोग कमेंट करके बताइए मुझे। समझते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग में 4 ब्लड ग्रुपिंग होती हैं जिन्होंने दी हैं, पहला ए, बी, ए बी और ओ। ए बी क्या होता है, ए और ओ कौन सा होता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा,
ठीक है। तो पहले इतनी चीजें कमेंट करिए, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।